शेयर मार्केट से 90% से ज्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन शेयर बाजार में 10% निवेशक पैसे बनाने में सफल रहते हैं, क्योंकि वे नियमों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो 10% लोग सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले शेयर मार्केट के 7 ऐसे नियम जानने वाले हैं जो हमें शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले सीखनी चाहिए, और साथ ही हम शेयर मार्केट के बादशाह और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट के उन नियमों को भी जानेंगे जिनसे हम एक सफल निवेशक बन सके। अगर आप भी शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, शुरुआत कैसे करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, लोगों को शेयर बाजार से कमाई कैसे होती है, क्योंकि शेयर बाजार कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज सीखनी चाहिए। दूसरा, शेयरों को लंबे समय तक रखें। बार बार ट्रेडिंग करने की बजाय शेयरों को लंबे समय तक होल्ड करना एक आम रणनीति होती है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया है। इसलिए आप भी ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म पर फोकस करें, इससे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है और शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तीसरा, मजबूत शेयरों को खरीदे। शेयर खरीदते समय उन कंपनियों को चुने जो हर साल अच्छा मुनाफा कमाती हैं। ज्यादातर ब्लू चिप कंपनियों के शेयर खरीदे। ब्लू चिप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट में सबसे बेहतर यानी कि सबसे टॉप कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, एमआरएफ, इंफोसिस और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में सबसे टॉप कंपनियां हैं। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर महंगे होते हैं, लेकिन ये लंबे समय बाद बहुत अच्छा रिटर्न भी देते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में अपने पैसे खोने से डर लगता है, यानी आप बिना रिस्क लिए शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ज्यादा बेटर है कि आप हाई प्राइस वाले शेयर खरीदे। ये महंगे जरूर होते हैं, लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न भी देते हैं। चौथा, छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करें। ये जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा देते हैं और बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। पांचवा, अलग अलग जगह निवेश करें। शेयर मार्केट में एक जगह पर पूरे पैसे निवेश करना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पैसे अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए, ताकि आपको लॉस बहुत ही कम हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। एक ही जगह पैसे निवेश करने से आपके सारे पैसे डूब सकते हैं, इसलिए आप अलग अलग जगहों पर अपना पैसा लगा सकते हैं। सट्टा, इन्वेस्टमेंट के लिए टूल का इस्तेमाल करें। आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को सीखें, या फिर आप किसी सफल निवेशक या एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। इससे आपको नुकसान बहुत ही कम होगा और अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। कुछ निवेशक फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा सीखे और अच्छे से जानकारी लेकर इस्तेमाल करें। सातवां, निवेश करने से पहले बेसिक नॉलेज सीखे। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक डटना चाहते हैं और शेयर मार्केट से लंबे समय के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक इन्वेस्टर यानी कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर तभी बन सकते हैं जब आपको शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज ज्ञात हो। इसलिए आप शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज सीखे और उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं। आप सबसे पहले कंपनियों के बारे में अच्छे से रिसर्च करें, शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज रखें, तभी आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। अन्यथा आपके यहाँ पर पैसे भी डूब सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में
रिक्स बहुत होता है, इसलिए आप शेयर मार्केट की पूरी बेसिक नॉलेज सीखने के बाद ही यहाँ पर अपना पैसा लगा सकते हैं। अब जानते हैं शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट के 6 नियम। शेयर बाजार में निवेश करने वाला हर शख्स वॉरेन बफेट को जरूर जानता है। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। वॉरेन बफेट के 6 मनी टिप्स, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट के 6 नियम। पहला, वॉरेन बफेट ने जीवन में पैसे से जुड़ी सफलता पाने के लिए बेहतरीन मंत्र दिया है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि हर व्यक्ति को पैसे के लिए कम से कम 2 रास्ते विकसित करने चाहिए। इसका यह फायदा होता है कि अगर किसी वजह से आपकी आमदनी का एक रास्ता बंद हो जाता है तो आपको दूसरे रास्ते से आमदनी होती रहेगी। इससे आपके जीवन में कभी भी पैसे का प्रवाह रुकेगा नहीं और आपके सभी जरूरी काम समय से होते रहेंगे। दूसरा, आमदनी का 20% बचत। वॉरेन बफेट ने लोगों को अमीर बनने के लिए एक शानदार टिप्स दिया है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आपकी हर महीने की आमदनी 10,000 रुपए है तो आपको 2,000 रुपए जरूर बचाना चाहिए। अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया के 99% से ज्यादा लोग, अमीर लोग, इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं और वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। यह नियम अमीर लोगों का फेवरेट नियम है। आप इस नियम को जरूर फॉलो करें। तीसरा, सिर्फ आवश्यकता की चीज खरीदे। वॉरेन बफेट ने अमीर बनने के लिए कहा है कि आपको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसे नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए वॉरेन बफेट ने उदाहरण देते हुए कहा है, अगर आप बिना आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं तो इससे आपको धन का नुकसान होता है और उस भरपाई के लिए आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। इसलिए आप किसी चीज की खरीदारी करते समय सोच समझकर अच्छे फैसले का निर्णय लेना चाहिए। चौथा, सभी निवेश एक माध्यम में ना रखे। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अपने सभी निवेश एक माध्यम में नहीं रखने चाहिए। अगर आपको शेयर बाजार से कमाई करने के गुण आते हैं तभी भी आपको अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ ही आपके निवेश में कुछ हिस्सेदारी गोल्ड की, कुछ हिस्सेदारी रियल एस्टेट की और अन्य विकल्प होने चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि अगर कोई एक निवेश विकल्प रिटर्न नहीं दे पाता है तो दूसरा विकल्प आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। निवेश का यह नियम मनी मैनेजर भी पूरी तरह से फॉलो करते हैं, इसलिए वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हैं। पांचवा, सोच समझकर जोखिम ले। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको उतना ही जोखिम उठाना चाहिए जितना आप आसानी से उठा सके। इसलिए वॉरेन बफेट ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नदी किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक हाथ से मजबूती से किनारे को पकड़े और एक पैर पर खुद का बैलेंस बनाकर दूसरे पैर से नदी का अंदाजा लगाए। अगर आप इस तरीके से नदी की गहराई का आकलन करेंगे तो आप डूबने से बच सकते हैं। छठा, सस्ते लोगों से उम्मीद ना रखे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि ईमानदारी और भरोसा सबसे महंगी चीज होती है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वॉरेन बफेट ने कमाई के लिए यह टिप्स देते हुए कहा है कि आपको किसी की बात पर या किसी की खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको देख नहीं लेते हैं। शेयर बाजार में अक्सर कंपनियां अपने नतीजे बेहतर दिखाने के लिए कई तरह की चालबाजी करती हैं। वॉरेन बफेट का इशारा इसी तरफ है। वॉरेन बफेट का कहना है कि किसी कंपनी के कामकाज या उसके नतीजे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफेट के ये 6 मनी टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जीवन में उतार लिया तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो। इसी रणनीति को अपनाकर
आज बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।